छात्राएं छात्र यहाँ पे हैं। और ये देखें सीट भी ये 180 डिग्री पे रोटेट हो जाती है, देखें आप। ये हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 का दृश्य देखें, यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं आप, हमारी वंदे भारत का। बहुत आनंद है। ये देखें दोस्तों, ये सजाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं हूँ हमारे इंदौर रेलवे स्टेशन में और यहाँ पे हमारी वंदे भारत आ चुकी है। देखें ये है नज़ारा, ये है माहौल हमारे इंदौर रेलवे स्टेशन का। देखें यार, और काफ़ी टाइम से इंतजार था हमारे इस वंदे भारत का, जो इंदौर पहुँच चुकी है, हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे। ये देखें इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं आप, हमारी वंदे भारत का बेहतरीन लग रही है यार। मेक इन इंडिया, इंडिया में बनी हुई वंदे भारत, जो कि भारत की हमारी सबसे चलने वाली गाड़ी है यार, सेमी हाई स्पीड यार। देखिए क्या नजारा है, और ऐसा ही माहौल हमारे इंदौर की जनता। देखिए जैसे ही वंदे भारत आई वैसे ही उछल पड़े कूद पड़े यार, और ये है नज़ारा देखें हमारे इंदौर का। काफ़ी टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, हमारी इंदौर की जनता इंतज़ार कर रही थी, रेल फैन इंतज़ार कर रहे थे कि यार कब वंदे भारत चलेगी, इंदौर आएगी, इंदौर को मिलेगी। कभी इंदौर जयपुर का सुना, कभी इंदौर खजुराहो का सुना, लेकिन फाइनली इंदौर से भोपाल के लिए हमें ट्रेन मिल गई। और आज 27 तारीख का दिन हमारे इस भारतीय रेलवे इतिहास और वंदे भारत के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरी 5-5 वंदे भारत हमको आज मिली है दोस्तों, तो इससे खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती। और इधर देखें मालवा सुपरफास्ट भी आ चुकी है, और इधर का ये माहौल कुछ ऐसा है। और थोड़ा आपको इंदौर के रेलवे स्टेशन का भी माहौल बता दूं मैं आपको। ये देखें दोस्तों, कुछ ऐसी भीड़ है, कुछ ऐसा प्लीज। ये हमारे इंदौर का दृश्य देखें आप, बेहतरीन, यही माहौल मैं आपको बता रहा था। देखें दोस्तों, ये हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 का दृश्य देखें, यहाँ पे बच्चे भी हैं बैठे हुए जो ट्रेन को निहार रहे हैं। और इधर देखें पूरा माहौल, पूरा मीडिया कर्मी, ये देखें काफी शानदार दृश्य इंदौर रेलवे स्टेशन का। देखें साक्षात्कार हो गया है वंदे भारत का परचम। निवेदन करता हूँ हमारे डीआरएम साहब से, हमारे महापौर, युवा महापौर। देखें दोस्तों माहौल इंदौर रेलवे स्टेशन का, देखें आप। निवेदन करता हूँ माननीय भीड़ वंदे भारत को देखने का, बच्चों से लगा के बड़े तक यार इस ट्रेन को निहारना चाहते हैं, अंदर से देखना चाहते हैं यार। इधर देखें दोस्तों, ये स्कूली बच्चे, ये देखें, ये कुछ माहौल इस प्रकार का है। ये वंदे भारत, ये हमारा इंदौर को ऐसा कुछ सजाया है। ये देखें हमारे देश में 18 वंदे भारत के बाद सीधे 5 वंदे भारत और आ चुके हैं, और ये आंकड़ा हो चुका है 23 वंदे भारत का। अंदर से देखें आप वंदे भारत को दोस्तों, ये देखें लोग काफी है अंदर, काफी भीड़ है, पूरी वंदे भारत पैक हो चुकी है। ये देखें पूरी वंदे भारत अंदर से पैक। हमारी इंदौर की जनता सारी निहार रही है इस ट्रेन को, अंदर से भी देखें, इंदौर में खड़ी हो चुकी है गाड़ी, और देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारा सा नज़ारा। इसका इंटीरियर देखें आप, हालांकि मैं इसकी जो जर्नी है इनोग्रल, इसमें सारी चीज़ें बताई है, लेकिन फिर भी आपको एक बार और अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, निहारना चाहते हैं ट्रेन को, कैसी है हमारा वंदे भारत। दोस्तों ये है एग्जीक्यूटिव क्लास जिसमें हम लोग हैं, ये देखें सीट भी ये 180 डिग्री पे रोटेट हो जाती है, देखें आप। एक बार और घुमा के बताइए किस प्रकार हो रही है ये नीचे से, हाँ ओके, ये देखें। तो आप इसका भी आनंद ले सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार, और सभी मज़े ले रहे हैं वंदे भारत के। आप लोगों को कैसी लग रही है वंदे भारत? बहुत अच्छी लग रही है। इसमें सफ़र अभी आपने किया? अभी नहीं किया। कल से रेगुलर 6:30 बजे चल रही है, तो आप इसमें बिल्कुल सफ़र कीजिए, मज़े। हम लोग कभी सफ़र करके आए हैं, हाँ निकल जाओ, बट आप भी कीजिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, लोग मज़े ले रहे हैं, सीट को 180 पे कर्व कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, मतलब देखें यार सभी खुश हैं। इस ट्रेन को देख के सारे
पैसेंजर खुश हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है और सफ़र भी करेंगे। तो ऐसा कुछ माहौल है वंदे भारत का। ये इसका चेयर कार क्लास है, ये देख सकते हैं आप, ये शानदार सा क्लास, कितना बेहतरीन इंटीरियर है यार इसका। देखें इसकी डिज़ाइन, देखें आप इसकी अपर साइड, देखें आप, बहुत ही प्यारा। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली गाड़ी रविवार को छोड़ के इंदौर से भोपाल के लिए मॉर्निंग में सुबह सुबह 6:30 पे इंदौर से प्रस्थान करेगी और सुबह सुबह 9:35 पे ये लगा देगी भोपाल। तो कुछ ऐसा नज़ारा है अंदर का भी, और बता देता हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ ऐसी स्थिति है इस जगह की। और बाथरूम की बात की जाए दोस्तों, तो देखें कुछ इस प्रकार का बाथरूम है यहाँ पे, बहुत ही शानदार। ये देखें पश्चिम शैली की बनी हुई कोच, ऊपर वाले कोच है हमारे। बहुत आनंद कि इस ट्रेन ने अब इंदौर को छुआ है। अब इंदौर को कैसे ज्यादा से ज्यादा ये उल्लसित करे, प्रकाशित करे, ज्यादा से ज्यादा दूरी तक ये कैसे पहुंचे और इंदौर को उसका फायदा। दोस्तों ये खड़ी है जिसका हमें इंतज़ार था, वंदे भारत। वाव, देखें इंदौर में आ चुकी है। ये देखें दोस्तों, ये सजाया गया है काफ़ी बढ़िया और भव्य। ये देखें वाह 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 वाह, देखें कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है यार हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन वंदे भारत के लिए, स्वागत के लिए। देखें यही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी दोस्तों, यही चीज़ कुछ कवर करना था। ये देखें ऐसा कुछ नज़ारा हमारे इंदौर का। थोड़ा सा बाहर चलते हैं और बाहर का भी आपको नज़ारा बताता हूँ। बाहर भी देखें स्कूली छात्राएँ, छात्र यहाँ पे हैं। और ये देखें ये हम बाहर आ चुके हैं, कुछ ऐसा सजा हुआ है यार। और ये देखें, ये देखें इधर भी स्कूली छात्रा छात्राएं यहाँ पे हैं। और बढ़िया यार, कहाँ से आए आप लोग? वाओ, और वंदे भारत देख ली कैसी, क्या लगी? बहुत बढ़िया लगी, बहुत स्पीड भी प्यारी है। सफ़र करा आपने अभी के अंदर गए थे भैया, उसका इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया, आप सफ़र भी कीजिएगा। तो देखें यार स्कूली बच्चे हैं, काफ़ी मज़ा आया। स्पीड सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, स्पीड जो बच्चों को पसंद है, और वही स्पीड का काम किया हमारी वंदे भारत ने। तो फ्रेंड्स कैसी क्या लगी ये अपडेट देखिए और बताइए मुझे। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।